हाँ मैं ISI हूँ। मुझे गाली देने वालों, मैं मौजूद हूँ इस दुनिया के हर कोने में, हर महाज पर खड़ा हूँ, हर जगह मौजूद हूँ। कहीं मैं कुफर के ऐवानों में खुलबली मचाए हुए और कहीं मैं आलम इस्लाम के दिफा की आखिरी लकीर हूँ। मुझे बुरा भला कहने वालों, कभी सोचा कि तुम मुझसे कभी मिले नहीं, कभी मुझे देखा नहीं, मुझे तुम जानते नहीं हो। इसके बावजूद मैंने तुम्हें जख्म देने वालों को खून के आंसू रुलाया। तुम्हारे जख्म मैं अपने सीने पर बर्दाश्त करना फख्र समझता हूँ। तुम्हारे दुश्मनों को तड़पाना और तुम्हें जख्म देने वालों को धूल मट्टी चटाने में मैं माहिर हूँ। तुम्हें जख्म देने वाला मुझसे कभी बच नहीं सकता। गाली देकर मेरा दिल छलनी करने वालों, तुम्हें बचाते हुए मैंने कितने जख्म खाए हैं, कितनी दफा मैं जान की बाजी हारा हूँ, कितनी दफा मैं काटा गया हूँ, कितनी दफा मैं तड़पाया गया हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं झुका नहीं, मैं डरा नहीं, मैं बिका नहीं। इस दुनिया में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो मुझे खरीद पाया है। मेरी कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाओ कि दुश्मन कुव्वतें भी यही बात कहती हैं कि मैं नंबर वन हूँ। मैंने उनके मुंह से पाकिस्तान को नंबर वन कहलवाया है। तुम देख लो, रूस चीखता चिल्लाता है कि मुझे तोड़ने वाले तुम हो, अमेरिका की CIA हो या इसराइल की मोसाद, भारत की राह हो या बरतानिया की MI6, हर एक से मैं उलझा हुआ हूँ, हर एक का रास्ता रोके खड़ा हूँ, फकत पाकिस्तान की खातिर। मुझे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि मैं पाकिस्तान हूँ, क्योंकि मैं ISI हूँ। लेकिन ऐ मेरे हमवतनों, मैं टूट जाता हूँ जब तुम अपनी जुबान की तेजी मुझ पर आजमाते हो, मैं बिखर जाता हूँ जब गालियों से मेरे वजूद को छलनी किया जाता है। मुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी ये जुबान के जख्म मेरे दिल में चीत कर देते हैं। मैं टूटने लगता हूँ, मैं बिखरने लगता हूँ, मैं सोचने लगता हूँ कि मैं तो वो हूँ जो हर वक्त अपने मुंह में जहर का दांत लिए फिरता हूँ, कि अगर कहीं मैं पाकिस्तान के नाम पर आंच आने का सबब बनूं तो इस जहर से अपनी जान ले लूं। लेकिन इस पाक धरती के वकार पर तुम पाकिस्तानियों की आन पर कोई आंच ना आने दूं तो क्यों आखिर, क्यों तुम मुझे बुरा भला कहते हो, क्यों मुझे बुरा भला कहते हो? मेरे पाकिस्तानियों, मुझ पर भरोसा करके तो देखो, मैं कुफर के वजूद में पाकिस्तान की आंखें बनकर रहता हूं। तुम देख लो, अमेरिका की CIA के एजेंट तुमने देखे होंगे, वो पकड़े जाते हैं, भारत की राह का कलभूषण तुम्हें याद ही होगा, लेकिन तुम कभी नहीं सुनोगे कि मैं पकड़ा गया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पकड़ा नहीं जाता, मैं पकड़ा भी जाता हूँ, मेरा जिस्म काटा भी जाता है, मेरी आंखों में लोहे की दहकती हुई सलाखें घुसाई जाती हैं, मेरे जिस्म के एक एक हिस्से को काटा जाता है, मेरे नाखनों को उखाड़ दिया जाता है, मुझे बर्फ के ब्लॉक्स में भी लगाया जाता है, मेरी टांगों में से घुटने की हड्डियों को निकाल दिया जाता है, मेरी आंखों को बाहर निकाल दिया जाता है, मेरे बाजुओं को चूल्हों पर रख के जला दिया जाता है, मेरे तड़पाने वाले कहकहे लगा लगा कर मेरी बेबसी पर हंसते हैं, लेकिन मैं बेबस होकर भी नहीं टूटता, लेकिन मैं बेबस होकर भी पाकिस्तान की आन, तुम पाकिस्तानियों की शान पर कोई आंच नहीं आने देता। मुझे 100 बार कहा जाता है कि तस्लीम करो कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मैं क्यों सामने नहीं आता, मैं क्यों तस्लीम नहीं कर पाता? तो सुनो, मैं इसलिए नहीं आता, मैं इसलिए तस्लीम नहीं करता क्योंकि मैं पाकिस्तान हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि मैं ISI हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिफा की आखिरी लकीर हूँ। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिफा की आखिरी लकीर हूँ। क्या तुम्हें पता है, मेरी माँ भी नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, और कभी कभी तो मेरी माँ इस दुनिया से चली जाती है लेकिन मैं अपनी माँ की मैयत को कंधा भी नहीं दे पाता, क्योंकि मैं तुम्हारी हिफाजत में मगन होता हूँ। और कभी कभी तो मेरी बहन भी घर से रुखसत होकर दूसरे घर चली जाती है और वो अपने भाई की आमद को देखती रह जाती है।
کہ کاش آج میرا بھائی اپنے دست شفقت کے سائے میں مجھے رخصت کرتا، لیکن میں کیا کروں، مجھ پر جنوں سوار ہے وطن سے محبت کا، پاکستانیوں کی حفاظت کا۔ اور آؤ مزید سنو، کبھی کبھی تو میں دشمن کی گود میں اپنی جان دے دیتا ہوں، اور کئی کئی سال میری ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا یہ لاڈلا اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے۔ میری بہن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں مر چکا ہوں ان پاکستانیوں کی خاطر جو آج مجھے گالیاں دیتے ہیں، جن کی میں آج گالیاں سنتا ہوں، ان پاکستانیوں کی خاطر، ان پاکستانیوں کی خاطر جس کی وجہ سے میں دشمن کے گھر میں بے خوف و خطر گھس جاتا ہوں۔ اور مزید سنو، کبھی کبھی تو میرے افسران کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں مر چکا ہوں، میں اس دنیا کو چھوڑ چکا ہوں، میں پاکستان پر اپنی جان قربان کر چکا ہوں، ہاں میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں۔ میں اتنا بے بس ہوتا ہوں کہ اپنے مرنے کی اطلاع بھی نہیں پہنچا پاتا، اور طاقتور میں اتنا ہوں کہ ہر وہ آنکھ پھوڑ دیتا ہوں جو اس دھرتی کو میلی نظر سے دیکھتی ہے، میں وہ زبان کھینچ لیتا ہوں جو اس دھرتی کے خلاف بھونکتی ہے، میں وہ ہاتھ توڑ ڈالتا ہوں جو پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں، جو تمہاری طرف بڑھتے ہیں۔ جانتے ہو میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ میں آئی ایس آئی ہوں، کیونکہ میں پاکستان، کیونکہ میں پاکستانی، کیونکہ میں پاکستان کے دفاع کی آخری لکیر ہوں۔ ہاں میں آئی ایس آئی ہوں، ہاں میں آئی ایس آئی ہوں۔